नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से अपने TCL Android TV में जो है स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं, यानी कि अपने Android मोबाइल की स्क्रीन को जो है आप किस तरीके से अपनी TCL Android TV में जो है शेयर कर सकते हैं। आप जो है अपने मोबाइल के वीडियोस, फोटोज, म्यूजिक को जो है अपनी एंड्रॉयड टीवी के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे आप उनको देख सकते हैं। तो भाई बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, बहुत ही इजी जो है इसके स्टेप्स हैं। और आपको मैं बता दूँ, हमारे चैनल पे जो है हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी है TCL एंड्रॉयड टीवी नाम से, जिसमें जो है आपको बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं TCL एंड्रॉयड टीवी से रिलेटेड। उसमें जो आपके बहुत सारे इशू का जो है वहाँ पे प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन भी आपको मिल सकता है। तो भाई अगर आपको किसी भी और प्रकार की प्रॉब्लम है तो आपको जो है वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे। तो एक बार जाके जरूर उस प्लेलिस्ट को जो है चेक कर लेना। इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर जो है मैं आपको उस प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहाँ से जो आप डायरेक्ट जाके चेक कर सकते हैं या फिर जो आप हमारे चैनल के थ्रू जाके जो है उसे चेक कर सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, नीचे जो है रेड वाली बटन उसको दबा के सब्सक्राइब कर दो एंड जो है अपने नोटिफिकेशन को जो है ऑन कर दीजिए। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, स्क्रीन मिररिंग करने के लिए आपको जो है ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जिसका नाम है TCast। देख लीजिए, ये वाली एप्लीकेशन है, ये जो है प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है। सिंपली आपको चले आना प्ले स्टोर पे, यहाँ पे टाइप कर देना है TCast, ये वाली जो एप्लीकेशन आ रही है इसका जो आइकन है आप देख सकते हैं, इस एप्लीकेशन को कर लेना इंस्टॉल। मैंने इंस्टॉल कर ली तो मैं इसे सिंपली ओपन करूंगा। आगे आपको क्या करना है, मैं इसको आपको जो है कैमरे में दिखा देता हूँ सारी चीज़। तो बने रही वीडियो पे, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों, आपको जो है इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है उस एप्लीकेशन को। ओपन होने के बाद जो कुछ स्टेप का इंटरफेस आपके सामने होगा। तो भाइयों, अभी तक जो है आपकी टीवी एंड मोबाइल अभी तक कनेक्ट नहीं है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखा आ रहा है, देख लीजिए रेड कलर से, प्लीज कनेक्ट योर टीवी, इस पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ओपन हॉटस्पॉट, सिंपली जो है आपको इस पर क्लिक करना है, अपने हॉटस्पॉट को जो है ओपन कर लेना है एंड जो है फिर से आपको बैक चले आना है। फिर जो है आपको थोड़ा सा इंतजार यहाँ पे कर लेना है। तो भाई लगभग जो है 10 से 15 सेकंड बाद जो है हमारी टीवी जो है यहाँ पे कनेक्ट हुई है हमारे मोबाइल के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉयड टीवी जो है कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपको जो डिस्कनेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप इस मोबाइल का और टीवी को जो है कनेक्शन डिस्कनेक्ट करना चाहें तो आप सिंपली यहाँ पे डिस्कनेक्ट पे क्लिक करके जो है डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो हमको नहीं करना है तो हम जो है बैक चले आते हैं। तो भाई आपको जो है यहाँ पे 5 ऑप्शन मिलेंगे, तो मैं जो है आपको लास्ट वाले ऑप्शन से जो है 1 by 1 स्टेप बाई स्टेप आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो है कास्ट म्यूजिक। कास्ट म्यूजिक पे आप क्लिक करते तो आप जो है अपने मोबाइल की म्यूजिक गैलरी पे आ जाते हैं। तो आप जो है यहाँ से किसी भी प्रकार के म्यूजिक जो भी आपको यहाँ पे बजाना चाहें, जो भी आप अपने टीवी पे कास्ट करना चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं एक नॉन कॉपीराइट म्यूजिक को जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, कार्टून को जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है कास्ट ऑन टीवी लिखा आ रहा है, इस पर कर देना है क्लिक। इस पर जो है हम क्लिक कर देते हैं तो थोड़ा सा जो है हमें यहाँ पे वेट करना है, बस दो चार सेकंड का जो है वेट करना है। ये देख लीजिए आपके पीछे जो है टीवी का बैकग्राउंड जो है चेंज हो चुका है एंड म्यूजिक जो है आपकी टीवी पे जो है बजने लगा है, म्यूजिक जो है यहाँ पे चल रहा है। देख लीजिए मैं इसका जो है साउंड थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, ये देख लीजिए भाई। अब जो है यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं इस बटन को दबा के अपने म्यूजिक को यहाँ से, और यहाँ पे जो है आप पॉज भी कर सकते हैं। तो भैया आप जो है आपको पता है कि मेरे मोबाइल की जो है बैटरी भी जल्दी जल्दी उतर रही है आप देख सकते हैं। तो मैं जो है आपको जल्दी से आपको सारी चीज़ समझा देता हूँ। अब जो है आप यहाँ से बैक चले आइए, यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाता है वो है कास्ट वीडियो का। इस पर आप अगर क्लिक करते हैं यहाँ से आप अपनी गैलरी पर जाते हैं, आपको जो भी वीडियो आप आपको कास्ट करना है उस वीडियो को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे लिखा हुआ कास्ट ऑन टीवी, मैंने जो अपने इंट्रो सेलेक्ट कर लिया है, देख लीजिए मोबाइल में जो वीडियो चल रहा था वो जो है भाई अभी जैसे कि आपने देखा कि जो वीडियो जो है मोबाइल पे चल रहा था वो जो है डायरेक्ट टीवी पे चल रहा था। तो भाई इस तरह से जो आप अपने किसी भी प्रकार की वीडियो को जो है यहाँ से आप कास्ट वीडियो में जाकर जो है कास्ट कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कास्ट फोटो का। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम अपनी जो है गैलरी पे आ जाएंगे, जो भी फोटो आपको यहाँ पे अपने टीवी पे कास्ट करना है उसको कर लेना सेलेक्ट। तो मैं इस फोटो को जो है सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको लिखा रहा है कास्ट टू टीवी, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी फोटो आपकी मोबाइल पे थी वो जो है डायरेक्ट आपकी एंड्रॉयड टीवी पे जो है कास्ट होगी। थोड़ा सा जो है आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरे मोबाइल में जो भी फोटो दिख रही है वो जो है डायरेक्ट जो है आपको LCD में कास्ट हो रही है। यहाँ से जो आप डायरेक्ट जो है फोटोज को यहाँ पे सेलेक्ट करके जो है चेंज कर सकते हैं। भाई थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पे वेट करना है, ये देख लीजिए यहाँ पे जो आप चेंज कर सकते हैं, धीरे धीरे जो है यहाँ पे फोटोज चेंज हो रहे हैं, ये देख लीजिए। फिर जो है आपको यहाँ से बैक चले आना है। फिर आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो है स्क्रीनशॉट का, सेकंड लास्ट ऑप्शन है वो है स्क्रीनशॉट का। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं
तो जो भी आप जो भी एक्टिविटी हो रही है आपकी टीवी पे, आपकी जो एंड्रॉयड टीवी पे जो भी एक्टिविटी हो रही है अभी लाइव, तो वो जो है आप उसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे ये वाली जो बटन दिख रही है स्क्रीनशॉट का, इस पर क्लिक कीजिए। स्क्रीनशॉट पे मैंने क्लिक किया तो जहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये देख लीजिए ये जो है अभी यहाँ पे ये वाला सीन आया था, तो इसका स्क्रीनशॉट जो है हमारे इस मोबाइल पे दिखाई दे रहा है, ये जो है हमारी गैलरी पे सेव हो चुका है। फिर हम यहाँ से बैक चले आते हैं, आपको लास्ट ऑप्शन मिलते हैं मिररिंग का स्पेशल ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो हम एंड्रॉयड टीवी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है स्क्रीन मिररिंग चालू हो जाती है। ये देख सकते हैं आप जो भी एक्टिविटी करेंगे अपने मोबाइल पे वो जो है डायरेक्ट आपको एंड्रॉयड टीवी पे दिखेगी। कुछ इस तरह से जो है अपने एंड्रॉयड टीवी एंड मोबाइल को कनेक्ट करके जो है आप स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं, अपनी फोटोज वीडियोस एंड म्यूजिक को जो है आप अपनी एंड्रॉयड टीवी पर कास्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। भाई चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। देख लीजिए मोबाइल की बैटरी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 2% बैटरी यहाँ पे बची हुई है मोबाइल की, है ना। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं।